प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ गैर समुदाय के लोग एक हिंदू लड़की को बहला फुसला कर भगा ले गए। पुलिस FIR दर्ज करने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही। जैसे ही घटना की जानकारी हिंदू संगठनों को लगी, सभी हिंदू संगठन सैकड़ों लोगों के साथ कोतवाली को घेर लिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मामला शाहजहांपुर के थाना तिलहर क्षेत्र का है, जहां तिलहर के ही एक मोहल्ला निवासी एक पीड़ित पिता ने तिलहर कोतवाली में कुछ दिन पूर्व मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें उसने बताया था कि उसकी पुत्री को नगर की मोहल्ला खलील कटरा निवासी गैर समुदाय के चार लोग उसकी बेटी को बहला फुसला कर भगा ले गए थे। उससे कहा कि चलो थोड़ा काम है घर पे और अभी छोड़ देंगे। घर से कहा करीब आधा पौन घंटा हो गया नहीं आए, तो उनसे घर पे गए हम लोग। मैंने क्या देवी कहाँ है, बोले कि अब चले जाओ यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला और इसका तो हम धर्म प्रबंध कराएंगे और निकाह करा देंगे इसका। पीड़ित पिता का कहना है कि FIR दर्ज होने के बावजूद भी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। जैसे ही उक्त घटना की जानकारी हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल, राष्ट्रीय गौ रक्षा संघ को लगी तो सैकड़ों लोग कोतवाली पहुंच गए और हंगामा काटना शुरू कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू कर दी। मामले को बिगड़ता देख आनन फानन में तिलहर पुलिस फोर्स के साथ नगर के मोहल्ला खलील कटरा पहुंचे और वहां से कुछ लोगों को पकड़ कर थाने ले आए। तिलहर कस्बे में ही ये खलील कटरा है। एक व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि दूसरे समुदाय के एक लड़का जो है वो मेरी लड़की को ले गए हैं, उनके द्वारा थाने पर तहरी दी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और लड़की को बरामद करने के लिए सभी यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही लड़की बरामद कर ली जाएगी। सर, इसमें पारिवारिक एवं हिंदुवादी संगठन भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि लड़की की बरामदगी करने में पुलिस कुछ लापरवाही कर रही है, इस विषय में? नहीं, उन उसमें आए थे अभी कुछ लोग आए थे उनकी महिला की तरफ से, तो उनको आश्वस्त कर लिया गया है कि यथासंभव शीघ्र जो है लड़की को बरामद कर लिया जाएगा और हमारी टीमें बना दी गई हैं, उनको रवाना भी कर दिया गया है और उनके जो मोबाइल नंबर है उन पर ट्रेस आउट करके जल्दी ही बरामद कर लिया जाएगा, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक आक्रोशित लोग शांत नहीं हो गए और कोतवाली में बैनर लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।